अरे गाइस सुनिए, अपडेट आने के बाद हेडसेट कैसे लग रहे वो तो मुझे पता नहीं है। मेरे तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं क्योंकि मैंने अपना सेटिंग है वो अपग्रेड कर लिया है। अच्छा, इसलिए मेरे हेडसेट लगने स्टार्ट हो गए पहले की जैसे। बट अगर आपके अपडेट आने के बाद हेडसेट बिगड़े ना भाई, तो ये पूरा क्रेडिट है ना वो पूरा फ्री फायर के ऊपर जाता है। क्योंकि वो जब भी अपडेट लाता है ना, वो भी अपडेट जब भी लाता है, तब हमारा जो सेटिंग होता है ना वो रिजेक्ट लग ही जाता है। उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करना ही पड़ता है, तभी हमारे हेडसेट लगते हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब वो क्या चेंजेस करने होंगे, क्या आपको सेटिंग अप्लाई करने होंगे आफ्टर अपडेट बाद, क्या सेंसिविटी रहेगी, क्या फायर बटन की पोजीशन रहेगी, क्या आपको फायर बटन की साइज रखनी होगी, डीपीआई अगर आप सेट करना चाहो तो क्या रखनी होगी। बट ये पहले बात कर लेते हैं कौन से डिवाइस पर बात होने वाली है। तो थंबनेल देख लिया आपने, पता है आपको 8GB रैम की आज बात होने वाली है आफ्टर अपडेट के बाद, वो भी 46 अपडेट के बाद। जो 8GB रैम डिवाइस में खेल रहे उसके हेडसेट लगने की जिम्मेदारी इस वीडियो में मैं लेता हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए, बिकॉज इस वीडियो में जो आपको सब कुछ सेटिंग बताऊंगा ना, वो सेटिंग और आप कुछ चेंजेस करोगे अपनी सेटिंग में, तो आपके हेडसेट पहले की तरह लगेंगे, उससे कई यहाँ पर अपग्रेड होकर भी लगेंगे। सिर्फ आपको करना क्या है, बस हम जो सेटिंग बताए वो आपको अपने डिवाइस में अप्लाई करना है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब मारना। चलिए हमारी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि आपको ग्राफिक क्या रखना होगा 8GB रैम डिवाइस में। फर्स्ट हम ग्राफिक से बात करेंगे। डिस्प्ले सेटिंग में आपको जो 8GB रैम डिवाइस में खेल रहे हो तो आपको ग्राफिक रखना है मैक्स। मैं भी मैक्स में खेलता हूँ, मेरा भी 8GB रैम का डिवाइस है, आप भी मैक्स में खेल सकते हो 8GB रैम डिवाइस में। हाई रिजोल्यूशन है वो यहाँ पर मैं नॉर्मल रखकर खेलता हूँ, शेडो मेरा ऑन रहता है, और जो फिल्टर है वो आप अपने मुताबिक, हाई FPS को भी मैं हाई करके खेलता हूँ। आप भी 8GB रैम डिवाइस में खेल सकते हो। नीचे का जो नो स्क्रीन, गन शॉट एलर्ट, गायरोस्कोप इफेक्ट इन लॉबी, ये सब मेरा तीनों के तीनों ऑन है। इसके अलावा हम आगे की सेटिंग की बात करें FX मैक्स सेटिंग की, तो FX मैक्स की सेटिंग में आप जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है ना वो सब आपको अप्लाई कर देना है। मेरा यहाँ पर ज़्यादातर ऑफ ही देखने को मिलेगा, आप खुद ही देख सकते हो। अब गाइस इसके आगे हम हमारी सेंसिविटी सेटिंग की बात कर लेते हो। सेंसिविटी सेटिंग 8GB रैम डिवाइस में आपको क्या अप्लाई करनी होगी आफ्टर अपडेट के बाद, तो फ्री लुक है वो आपको सेट करना होगा 125 आपको फ्री लुक का सेंसिविटी सेट कर देना है। उसके बाद गाइस हमारे जो स्नाइपर स्कोप है वो आपको सेट करना है 110 आपको स्नाइपर का स्कोप 8GB डिवाइस में सेट कर देना है। फोरस्कोप की सेंसिविटी की बात करें तो फोरस्कोप का सेंसिविटी है वो आपको सेट करना है 100, कितना गाइस 100 आपको 8GB डिवाइस में अप्लाई करना है। टूस्कोप का जो सेंसिविटी है वो आपको क्या सेट करना होगा, तो वो सेट करना है 115 आपको टूस्कोप का सेंसिविटी सेट कर देना है। रेड डॉट सेंसिविटी की बात करते हैं कि हमें रेड डॉट की सेंसिविटी क्या सेट करनी होगी 8GB डिवाइस में आफ्टर अपडेट के बाद, तो रेड डॉट की सेंसिविटी गाइस आपको सेट करनी है 98, कितना गाइस 98 आपको 8GB डिवाइस में रेड डॉट की सेंसिविटी सेट करनी है। उसके बाद जो जनरल की सेंसिविटी है वो आपको कुछ करना नहीं है, आँख बंद करके गाइस आपको है ना एक्सेलेरेटर को पूरा यहाँ पर फुल यहाँ पर आपको दबा देना है, मतलब कि आपको आँख बंद करके 200 सेट कर देना है। ज़्यादा कुछ नहीं, आगे नहीं पीछे नहीं, बस 200 सेट कर देना है। ये जो सेंसिविटी है वो 8GB डिवाइस में बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही है। बस आपको यही सेंसिविटी में आफ्टर अपडेट के बाद 8GB डिवाइस में गेम प्ले करना है, FX मैक्स खेलना है। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं हमारे कंट्रोल सेटिंग की। कंट्रोल सेटिंग में जो मैं 8GB डिवाइस में खुद अप्लाई करता हूँ वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपके सामने ही है। अगर आप अपने मुताबिक भी सेट करना चाहो तो भी कर सकते हो, मेरा सेटिंग आपके सामने ही है। यहाँ पर कुछ मैं चेंजेस नहीं करता हूँ, मैं जो यूज़ करता हूँ वही बता रहा हूँ आपको, मैं खुद 8GB डिवाइस का यूज़र हूँ इसलिए। और हम बात करें कस्टम विंड में फायर बटन पोजीशन की, तो फायर बटन की पोजीशन है वो आपको एग्जैक्ट यहाँ पर सेंटर में रखनी है, ज़्यादा ऊपर नहीं ज़्यादा नीचे नहीं, जिससे आपको ड्रैग की यहाँ पर स्पेस मिले। और फायर बटन की साइज़ है वो 50 रखनी, इसी सेंसिविटी में आपको 50 फायर बटन की साइज़ में खेलना है। अब गाइस इसके आगे तो ज़्यादा रहा नहीं है, इंपॉर्टेंट बात थी वो बता दी। रुको, एक चीज़ बाकी रहेगी, DPI 8GB रैम डिवाइस में आफ्टर अपडेट के बाद अगर आप DPI यूज़ करना चाहते हो तो DPI आपको क्या सेट करना होगा, आपको DPI सेट करना है 500 या तो फिर आपको सेट करना है 920। आपको ये दो DPI में से आप कोई भी DPI सेट कर सकते हो। पर्सनली गाइस मैं बताऊँ, मैं खुद DPI यूज़र नहीं हूँ, मैं DPI यूज़ नहीं करता हूँ। आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो, मैंने ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने किया था, बाद में मैं फिर से रिमूव कर देता हूँ। अपना जो DPI नॉर्मल होता है उसी में आकर खेलता हूँ। अगर आप खेलना चाहो DPI सेट करके तो भी खेल सकते हो, फ़ोन का ही सेटिंग है, आपको ईजिली मिल जाएगा आपके डिवाइस में। अब गाइस 8GB रैम के जो यहाँ पर फुल पैकेज लेकर आया था आफ्टर अपडेट के बाद, कि आपको क्या सेंसिविटी सेट करना है, क्या फायर बटन की साइज़ रहेगी, क्या फायर बटन की पोजीशन रहेगी, कंट्रोल सेटिंग क्या रहेगा, ग्राफिक सेटिंग क्या रहेगा, DPI का सेटिंग क्या रहेगा, एवरीथिंग आपको मिल गया है भाई। आपको करना क्या है, बस वीडियो में जो मैंने बताया ना वो आपको अपने डिवाइस में अप्लाई करना है आफ्टर अपडेट के बाद। बस ये अप्लाई किया, बाद में आप देखो गेम प्ले खेलो भाई, एक गेम खेलो,
बाद में खुद रियलाइज करोगे कि क्या ही हेडशॉट लग रहे हैं। तो भाई जैसे बताए वैसे फॉलो करना स्टेप को, इजीली फॉलो करोगे तो भाई हेडशॉट लगने की जिम्मेदारी, हेडशॉट लगाने की गारंटी वो मेरे पास है। जो मैं एम लेकर आया था वीडियो के लिए वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना, एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन रहेगा। तो भाई एक लाइक कर देना, फ्री में है, यूट्यूब दे रहा है तो एक लाइक करते जाना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मारना, पास में दिखने वाला बेल आइकन है उसके साथ कुछ भी करना बट उसको ऑल पे सेट कर देना, जिससे हमारा हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिल पाए। कमेंट बॉक्स में अच्छे से प्यारी से कमेंट करते जाना, हो सके उतने हार्ड ड्रॉप करते जाना, उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो ये स्टेप ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना, कमेंट बॉक्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो कमेंट में कमेंट करते जाना। और गाइज आगे क्या है भाई, फ्रेंड को वीडियो शेयर करना है, फ्रेंड को भी ये वीडियो शेयर कर देना। अब गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।